किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है, ये पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि कुछ भी नहीं, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी जो यहाँ पे नेपाल ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्रियल एरिया में, वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार कितना पैसा खर्च किया गया है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और उसमें से कितने जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप्ड हुई हैं, पंजीकृत हुई हैं, और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ना केवल उन उद्योग को पंजीकृत कराने वाले लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए विशेष तौर पर जिनके पास रोज़गार नहीं है और उन्हें रोज़गार के अवसर भी मिल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हर तरह से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि उसे आत्मनिर्भर बना जाए, और आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो उसके अंदर रोज़गार भी आपका खुद का होना चाहिए, यानी कि लोग बाहर ना जाएं, घर में ही काम कर लें, आपके पास वो सभी के सभी प्रोडक्ट खुद के होने चाहिए जो कि आपको नीड है अपने देश को चलाने के लिए। इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट कुछ ऐसे भी रखें जो कि आप बेच सकें दूसरे देशों के अंदर, और उससे पैसा जनरेट करके कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो वो भी एक अच्छी बात है। इस तरह से यहाँ पे कई तरीके हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बना है। और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें औद्योगिक क्रांति लानी पड़ेगी, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। नेपाल के अंदर पिछले 11 महीनों की मैं बात करूं तो 250 अरब रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, और उसके अंदर 383 उद्योग पंजीकृत हुए हैं। 11 महीने के ये 250 अरब से अधिक निवेश जो किया गया है, उसमें कौन से सेक्टर में कितना और कौन से कितने बड़े उद्योग हैं, कौन से कितने छोटे उद्योग हैं, उसमें कितना रुपया है वो जान लेते हैं। 383 उद्योगों को जो पंजीकृत किया गया है, उसके अंदर हम बात करें आंकड़ों की तो नए पंजीकृत उद्योग हैं 49 जो कि बड़े उद्योगों में आते हैं, 50 मध्यम उद्योग हैं और 284 छोटे उद्योग शामिल हैं। 11 महीने की अवधि के दौरान पंजीकृत उद्योगों को 200.17 बिलियन रुपए के निवेश को प्रतिबंधित करता है। वहीं पे अगर बात करें DOI के अनुसार, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं कि अकेले 59 पंजीकृत जो उद्योग हुए हैं उनके लिए निवेश है वो $32.20 बिलियन है। सरकार ने 28-29 अप्रैल को अपने घरेलू और विदेश निवेश आकर्षण करने के लिए उद्देश्य के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया, और उसके अंदर ये जो डाटा है वो निकल कर सामने आया। इस प्रकार अगर बात करी जाए तो 355 कंपनियों ने यहाँ पे विदेशी निवेश की भी बात की है और उनमें मंजूरी भी दे दी है। तो यानी कि विदेशी निवेश जो कि होगा वो और ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए होने वाली है। विभाग के अनुसार नए पंजीकृत उद्योग और सरकार द्वारा स्वीकृत घरेलू निवेश से 26,027 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएँ हैं। इस तरह से विदेशी निवेश के साथ साथ अगर बात करें तो 17,642 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद अलग से है, यानी कि कुल मिलाकर बात यहां पर हमने बात करी थी वो भी एक सजग और सुचारू रूप से कार्यशील रहेगा। DOI के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि के दौरान 2 पेटेंट पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 5494 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए हैं, और उसी के बीच 45 प्रारंभिक पर्यावरण आंकलन किए गए हैं, और ट्रेडमार्क से संबंधित 89 मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। यानी कि प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ ना होना चाहिए, इस तरह की भी चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि सब कुछ बचाकर हमारी उस जो लहर है, हमारी उस जो उम्मीद है पैसे कमाने की, उस मुहिम को भी चलाया जा सके। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, चाहे गुण मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप अपडेट सबसे पहले मिल सके।